आज है 3rd of March एंड लगातार 2 दिन मैंने कंटिन्यूअस वीडियो बना है। आज है हैट्रिक वाला दिन। तो आई नो आप लोग के लिए थोड़ी वैसी चीज़ होगी कि अरे यार क्या हैट्रिक, इसमें क्या नॉर्मल सी बात है, पर आई नो मेरे को मेरे स्केड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो एडिटिंग शूटिंग सब कुछ करने में थोड़ा हॉचपॉच हो जाता है पूरे डे का स्केड्यूल। बट आई एम ट्राइंग कि ये जो पूरा मार्च है मैं इसको बहुत ही प्रोडक्टिव रखूं एंड बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो आज का जो वीडियो है ये है विस्तारा एयरलाइंस की हायरिंग का वीडियो। फ्रेशर्स के लिए ये वीडियो ज़्यादा सूटेबल नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स यू कैन वॉच दिस वीडियो। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जिसको इस जॉब की रिक्वायरमेंट है तो तुरंत से पहले इस वीडियो को मेरा शेयर करना। और अगर आप चाहते हो ऐसे ही अमेजिंग से नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग जॉब इंटरव्यूज़ इन द एविएशन इंडस्ट्री तो आप तुरंत से पहले जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर, बिकॉज इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से आपका बेनिफिट ये होने वाला है कि आपको मिलेंगे जॉब नोटिफिकेशंस सबसे पहले और साथ ही साथ एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ अमेजिंग से इनसाइडर्स मिलने वाले हैं। सो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो जनरली मेरे वीडियोस जो हैं वो इंडिगो एयरलाइंस के हायरिंग के ऊपर ज़्यादा होते हैं, बाकी सारे एयरलाइंस के ऊपर थोड़े कम होते हैं, क्योंकि भाई बाकी सारे एयरलाइंस में हायरिंग ही थोड़ी कम हो रही होती है तो फिर इसीलिए मेरे वीडियोस भी कम होते हैं। पर ये वाला जो वीडियो है ये विस्तारा एयरलाइंस के हायरिंग के रिगार्डिंग है और विस्तारा एयरलाइंस अपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को हायर कर रही है। फाइनेंस में 3 वैकेंसीज थी लेकिन एक असिस्टेंट मैनेजर की थी तो इसलिए मैंने उसको अपने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया। हालांकि मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप जाके उस पर्टिकुलर वैकेंसी को भी चेक कर सकते हो। जो 2 सब डिपार्टमेंट्स हैं जिनके लिए हायरिंग हो रही है वो ट्रेजरी और फाइनेंस एंड अकाउंट्स में हायरिंग हो रही है, दोनों में ही सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं लोकेशन बता दूं तो दोनों की ही जो लोकेशन है वो गुरुग्राम है। सबसे पहले अगर हम बात करें सीनियर एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स की तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स में होना चाहिए। आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है CA और CWA इंटर और ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट एनी हाउ, दिस इज फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी टैक्सेशन, GST, अकाउंट हैंडलिंग, क्रेडिटर्स एजिंग एंड पेबल ट्रैकिंग, असिस्टिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू हैंडल रिकंसिलिएशन ऑफ वेरियस अकाउंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, यू शुड एक्ट एज अ टीम प्लेयर बिकॉज आप एज अ टीम काम करेंगे। एंड ये जो नॉर्मल ग्राउंड स्टाफ की जॉब होती है किसी भी एयरलाइंस में ये उससे थोड़ा हटके है। दिस इज़ अ कॉरपोरेट जॉब, मतलब आपके फिक्स्ड टाइमिंग्स होंगे, आपको उन टाइमिंग्स में काम करने हैं। यू वोंट बी अराउंड द एयरक्राफ्ट, आप एक आपका एक केबिन होगा, आप वहाँ पर लैपटॉप पे लेके बैठ के प्रेजेंटेशन बनाएंगे, चार्ट्स बनाएंगे एंड मीटिंग्स अटेंड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। तो दूसरी जो वैकेंसी है दैट इज सीनियर एग्जीक्यूटिव इन ट्रेजरी, उसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है मिनिमम 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन अ कॉरपोरेट ट्रेजरी विथ बैंकिंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। लोकेशन जैसा कि मैंने पहले बताया गुरुग्राम ही होने वाला है। अब गुरुग्राम इसलिए है बिकॉज विस्तारा का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में ही सिचुएटेड है। तो ये सारी ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉरपोरेट जॉब होने वाली है आपकी, 9 to 5 की जॉब होगी, आपको ऑफिस मिलेगा, आपका केबिन रहेगा, वहाँ पे बैठ के आपको अपने प्रेजेंटेशंस और बाकी सारी चीज़ें रिपोर्ट्स बनाना मीटिंग्स अटेंड करना सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको जो है अपने आप को रीएलोकेट करना पड़ेगा। आप कहीं से भी अप्लाई करो पर आपका जो जॉब लोकेशन है वो गुरुग्राम ही रहने वाला है। यहाँ पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो होंगी प्रिपेयरिंग एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर फॉरन करेंसी पेमेंट्स टू बैंक, मैनेज कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑन FEMA एंड RBI, अरेंजिंग पीरियोडिकल रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ ओपन आइटम्स, अपडेटिंग द FX रेमिटेंस ट्रैकर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इतने सारी चीज़ों को बोल के मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, मैं सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो बिल्कुल से अप्लाई करना, मौका बिल्कुल से मत छोड़ना। विस्तारा इज़ ऑल्सो अ गुड एयरलाइंस
विस्तारा भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है. सो और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बिल्कुल से मेरे को बताना कि दैट यू गॉट सिलेक्टेड, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिसीव योर मैसेजेस. विद दैट सेड, दिस इज योर एविएशन गाइस साइनिंग ऑफ. बस साइनिंग ऑफ, बाय बाय.